नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सभी दुकानें बंद रहेंगी, इन लोगों को समझना चाहिए। आवश्यक खाद्य पदार्थ, किराना स्टोर, मछली मार्केट, सब्जी मंडी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुला रहेगा, उसके बाद नहीं खुला रहेगा। किराना दुकान, सब्जी मंडी, मछली मार्केट, दो की दुकान 11 बजे के बाद नहीं खुला रहेगा। जो भी ये दुकानदार हैं, इन लोग से मेरी अपेक्षा है कि इस आदेश के तहत उसका अनुपालन करें। पुलिस से छुप कर, कैमरे की नज़र से छुप कर नियम तोड़ने की कोशिश न करें। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि मॉर्निंग वॉक पर भी रोक लगाई गई है। अनावश्यक पैदल मूवमेंट पर भी रोक लगाई गई है। इसलिए उस कड़ी में मॉर्निंग वॉक एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। पब्लिक को यह समझना होगा, संक्रमण का दर काफ़ी अधिक है, घर में स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस पे रोड पर अनावश्यक मूवमेंट नहीं करना चाहिए, इस पर भी हम लोग की निगरानी रहेगी। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शादियों का सीज़न है, शादी पे रोक नहीं है, लिमिटेड संख्या में एकत्रित होकर समारोह को संपन्न कराने की अनुमति है। 50 की संख्या है शादी के लिए, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है जो अब तक नहीं थी। अब तक डीजे पे रोक था, अब बारात जुलूस पर भी रोक है। बारात की जुलूस की रूप लेकर लोग नहीं जा सकते। ये पब्लिक सरोकार के लिए कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे उनका काफ़ी लेना देना हो सकता है। कुछ लोगों को बहुत एसेंशियल काम पड़ सकता है, ऐसा उनको लग सकता है। ऐसी परिस्थिति में ई पास की व्यवस्था की गई है, अगर पास नहीं मिलता है तो कृपया नहीं निकली। अगर वो हम लोग को सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग कड़ाई करने के लिए बाध्य होंगे और फिर कड़ाई परेशानीदायक हो सकती है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर के लॉकडाउन का भी, तो इस पहल को सहयोग करते हुए सफल बनाने का कष्ट करें। बाकी हम लोग उनके हेल्थ के लिए और उनके सुख शांति के लिए शक्तिशाली से हमेशा प्रार्थना करते हैं, उनके सहयोग की हम लोग उम्मीद करते हैं। थैंक यू।